हेलो दोस्तों, नमस्कार। चैनल पे आपका स्वागत है एक और लेटेस्ट अपडेट और वीडियो के साथ। दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में आपसे बात करने वाले इग्नू के दिसंबर 2021 एग्जामिनेशन फॉर्म की लास्ट डेट एक्सटेंशन मींस विदाउट लेट फीस एक्सटेंशन को लेके, इसके साथ साथ बात करेंगे री रजिस्ट्रेशन की डेट को एक्सटेंशन को लेके, उसके साथ साथ जो टेंटेटिव डेट शीट है एक बार फिर से रिवाइज कर दी गई है उसके बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे जून 2021 का जो एग्जाम हुआ था उसकी रिजल्ट की अपडेट और रिवैल्यूएशन रिजल्ट की अपडेट को लेकर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट और वीडियोज इग्नू से रिलेटेड आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट दे दूँ कि पोर्टल में कल कुछ बदलाव किए गए थे। पहले एक इंपॉर्टेंट लिंक्स करके एक पोर्टल आ रहा था, मतलब कि जब आप इग्नू की वेबसाइट ओपन करते थे तो एक छोटा सा विंडो खुलता था, इसमें इंपॉर्टेंट लिंक्स को दे दिया गया था जो कि अंदर आके मिलते थे। फिर उसके बाद फिर नीचे पूरी वेबसाइट के लिए एक लिंक क्रिएट किया गया था जिसके थ्रू आप मेन वेबसाइट पर एंटर करते थे, बट उसको अभी फाइनली फिर से हटा दिया गया है। वेबसाइट में कोई इंप्रूवमेंट नहीं था, वेबसाइट ऐसे ही चल रही थी और अभी भी लगभग ऐसे ही चल रही है। कब तक इंप्रूवमेंट हो पाएगी, बेहतर ढंग से कब तक चल पाएगी, कुछ नहीं कहा जा सकता, बट अभी नॉर्मल कर दिया गया है इसको। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, जिनका एग्जाम जिन्होंने एग्जाम फॉर्म अभी तक नहीं भरा है उनको 3 से 4 दिन का एक और चांस मिल गया है। आज से मतलब 17 जो है कि आपके 17 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट था, अब 19 दिसंबर तक कर दिया गया, मतलब कि आज से 19 दिसंबर तक आप विदाउट लेट फीस एग्जाम फॉर्म भर सकते हो। देख लीजिए यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है 19 दिसंबर तक, पहले ये 15 दिसंबर था, अभी 19 दिसंबर कर दिया गया है विदाउट लेट फीस। देखिए यहाँ पे ऊपर भी मेंशन किया गया है 19 दिसंबर विदाउट लेट फीस, ये जो है आपका लास्ट चांस रहेगा। मे बी इग्नू में ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी चीज़ एक बार शुरू हो और उसकी लास्ट डेट को एक्सटेंड न किया जाए। भले ही पहले ही मेंशन कर दिया गया था कि इसकी बात से 16 दिसंबर से जो है लेट फीस लगेगा, बट वेबसाइट पोर्टल बंद हो गया था, लास्ट दिन पे चल ही नहीं रहा था, आज पूरा दिन बंद था, तो आज फिर से उसको 3 से 4 दिन के लिए विदाउट लेट फीस बढ़ा दिया गया है। जिन्होंने अभी तक एग्जाम फॉर्म नहीं भरा जरूर भर लेंगे, अदरवाइज फिर 20 दिसंबर से कुछ कहा नहीं जा सकता। 20 दिसंबर हो सकता है कि लेट फीस लगने लग ही जाएगा, मतलब कि आपको बोला ही गया है, लेकिन अभी एक्सटेंशन का कोई उम्मीद मत रख के चलिएगा, अपना एग्जाम फॉर्म भर दीजिए, अदरवाइज फिर एग्जाम सेंटर भी मिलने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी आपको। जिन्होंने अभी तक एग्जाम फॉर्म नहीं भरा है तो भर सकते हैं 19 दिसंबर तक विदाउट लेट फीस। नेक्स्ट अपडेट पे चलते हैं, री रजिस्ट्रेशन की डेट को एक बार फिर से मतलब तीसरी बार बढ़ा दिया गया है 31 दिसंबर तक। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है री रजिस्ट्रेशन, बच्चा की पहले भी मैंने बताया है री रजिस्ट्रेशन जरूर कर लेंगे अपना, अदरवाइज फिर उनका प्रमोशन में भी प्रॉब्लम आएगा और आगे ईयर गैप भी हो जाते हैं, तो ये इशू रहते हैं। ठीक है, आप समर्ट पोर्टल पे जब जाएंगे एलिजिबल रहेंगे तो आपको उसमें दिखा देगा, इसको क्लिक करके नेक्स्ट पे जाना होता है। नेक्स्ट पे जैसे ही जाएंगे समर्थ का पोर्टल ओपन होगा जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करके फिर आप लॉगिन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा यू आर एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट ईयर सेमेस्टर। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट पे चलते हैं, टेंटेटिव डेट शीट को चौथी पांचवी बार फिर से अपडेट कर दिया गया, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था इसमें इग्नू में ऐसे चलता रहेगा जब तक फाइनल डेट शीट नहीं आ जाती है, ऐसे रिवीजन चलता रहेगा। ये टेंटेटिव डेट शीट है, ज़्यादा चेंजेस इस डेट शीट में नहीं किया गया है, तो एक बार फिर से सभी लोग अपना डेट शीट चेक कर देंगे। टेलीग्राम पे मैंने पहले ही डाल दिया था इसका लिंक, डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बट जो है कुछ माइनर चेंजेस किए गए हैं डेट्स में, जो है एग्जाम डेट में, एग्जाम डेट में नहीं, सब्जेक्ट्स में ऊपर नीचे किए गए, बस और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट पे चलते हैं, जैसे कि आपको पता है जून का एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट का डिक्लेरेशन अभी तक प्रोसेस जारी है। एक और अपडेट आया है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो ये क्लेम कर सकते थे ना कि मैं अभी रिजल्ट ही नहीं आया है और हम एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भर दें, ऐसे भरते 200 रुपये मायने रखता है भाई। ठीक है, तो अभी क्या है फिर से अपडेट आई है रिजल्ट की, चेक कर लीजिएगा। रिवैल्यूएशन रिजल्ट की भी आज अपडेट डाली गई है, दोनों की अपडेट डाली गई है रिजल्ट की, आप चेक कर सकते हैं अगर अप्लाई किया है रिवैल्यूएशन के लिए। अभी अगर आप पास नहीं हुए हो, जिनका रिजल्ट फर्स्ट टाइम डिक्लेयर हो, अगर पास नहीं हुए हो रिवैल्यूएशन करना चाहते हो तो अच्छी बात है, साथ साथ एग्जाम फॉर्म भी जरूर भर देना, मिस मत करना। ठीक है, रिवैल्यूएशन रिजल्ट आने में टाइम लगता है, तो ये थोड़ी सी अपडेट थी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। अब इसमें भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं जवाब जरूर दूंगा। मिलते हैं कोई नई वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि एग्जाम फॉर्म जरूर भर पाए, कमेंट करके आप सवाल कर सकते हैं। नमस्कार।